नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। जीवित पत्रिका व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने पिता की मौत का बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया, परंतु वे द्रौपदी की 5 संतानें थी। फिर अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि ले ली। अश्वत्थामा ने फिर बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया और उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। तब उस समय से ही संतान की लंबी उम्र के लिए ज्योतिया व्रत का व्रत रखा जाता है। चील सियार की कथा अनुसार मिथिलांचल सहित कई इलाकों में प्रचलित इस कथा के अनुसार एक समय एक वन में एक पेड़ पर एक चील रहती थी। पास में वही झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब दोस्ती थी। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चीलों का ऐसा भी ध्यान रखती। एक बार की बात है, वन के पास एक गांव में औरतें ज्योतिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और इस बारे में अपनी सखी सियारिन को बताई। दोनों ने इसके बाद जीवित पुत्रिका का व्रत रखा। दोनों दिन भर भूखे प्यासे रहे, मंगल कामना करते हुए व्रत किया। लेकिन रात में सियारिन को तेज भूख प्यास सताने लगी। सियारिन को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चीलों ने हड्डी चबाने की आवाज सुनी तो इस बारे में पूछा। सियारिन ने सारी बात बता दी। चीलों ने इस पर सियारिन को खूब डांटा और कहा कि जब व्रत नहीं हो सकता था तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन का व्रत भंग हो गया, लेकिन चीलों ने भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। कथा के अनुसार अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। वहीं चीलों छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चीलों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। ईर्ष्या के कारण सियारिन रानी बार बार उसमें अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास करने लगी, लेकिन सफल नहीं हो सकी। बाद में उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगी। बहन के बताने पर उसने फिर से जीवित पुत्रिका व्रत किया तो उसके भी पुत्र जीवित रहे। व्रत का उपवास शनिवार को रखा जाएगा। जीवित पुत्रिका व्रत का पारणा 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को किया जाएगा। इस दिन प्रातः काल स्नान आदि के बाद पूजा करके पारणा करें। मान्यता है कि व्रत का पारणा गाय के दूध से ही करें तथा सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्यनाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और यदि आपने हमारे और आपके YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नई नई कथा सुनने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।